फिल्म की स्टार्टिंग सीन में हम लूजी नाम का एक कैरेक्टर को देखते हैं। वो एक बड़ी कंपनी और होटल का मालिक है और उसे खाना पीना बहुत पसंद है। वो अलग अलग होटलों में जाता था और वहाँ की हर डिश खाता था कई साल हो गए, लेकिन उसे कभी किसी होटल में अपना मनपसंद खाना नहीं मिला। लेकिन उसे जिस भी होटल का खाना पसंद आता था वो उस होटल को खरीद लेता था। आज जब वो एक होटल का खाना खा रहा था तब उसका मैनेजर कहता है कि जितना समय आप खाना खाने में लगाओगे उतने समय में हम पूरा होटल खरीद लेंगे। यह सुनकर लूजी को उस पर बहुत गुस्सा आता है। उसका कहना है कि मेरे लिए खाने पीने से बढ़कर कुछ नहीं है, होटलों की मीटिंग, कुछ खरीदना या न खरीदना मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। इसके बाद वह इस बात पर मैनेजर को अपनी कंपनी से बाहर निकाल देता है। जब लूजी अपने ऑफिस जा रहा था तो उसे पार्किंग एरिया में एक लड़की दिखाई देती है। वह कार्गो खरोच रही थी, यानी वो लूजी के कार्गो खरोच रही थी। इस लड़की का नाम शांग था। वह इस कहानी की सेकेंड मेन कैरेक्टर है। वैसे शांग के दोस्त ने उससे कहा था कि वह दूसरी मंजिल पर जाए और वहाँ एक काली कार को खरोचे, क्योंकि जिसकी कार थी वो उससे बदला लेना चाहती थी क्योंकि उसने उसे धोखा दिया था। लेकिन अब जब शांग को लूजी से पता चला कि वह दूसरी मंजिल पर नहीं बल्कि तीसरी मंजिल पर है और यह कार वह नहीं है जिसको वो खरोचने आई थी बल्कि यह लूजी की है, तो उसे बहुत बुरा लगता है। इसलिए वह उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि एक मिनट रुकिए, मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। अब वो खरोचे ठीक नहीं करती बल्कि और खरोचती है और वहाँ दिल बना देती है जिससे उसका मूड अच्छा हो जाए। लेकिन ये देखकर लूजी को और गुस्सा आ जाता है, इसलिए वह वहाँ से चला जाता है। शांग अपने दोस्त और एक कुत्ते के साथ किराए के घर में रहती है। वह एक बहुत बड़ी होटल में शेफ थी, यानी वह वहाँ का खाना बनाती थी, लेकिन उसके डिशेज उसका खाना किसी को पसंद नहीं आया क्योंकि वह हमेशा पुराना और आम खाना ही बनाती थी। शांग अपने होटल मैनेजर को पसंद करती थी। मैनेजर भी उसे इस तरह दिखाता है कि वह भी उसे प्यार करता है। और आज जब शांग उसे कहती है कि हमें आगे बढ़ जाना चाहिए, शादी कर लेनी चाहिए, तो मैनेजर उसे साफ मना कर देता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे जैसे कमजोर लड़कियां पसंद नहीं है, मुझे अच्छी सेहत वाली लड़कियां पसंद है, तो मुझे माफ़ करो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। यह सुनकर शांग का दिल टूट गया। इसके बाद लूजी उसी होटल में आता है जहाँ का शेफ शांग थी। अब होटल के एम्प्लॉइज को पता चल गया था कि लूजी एक बहुत बड़ी कंपनी और होटल का मालिक है और उन्हें यहाँ का माहौल और खाना पसंद आएगा तो वह इस होटल को भी अपने साथ शामिल कर लेंगे। इसलिए होटल के सभी कर्मचारी उनका पीछा करते हैं। लूजिन अपने सहकर्मी और वर्कर के साथ इस पूरे होटल की जांच करते हैं, जिसके बाद इस होटल के सीनियर शेफ अपने होटल की सबसे पॉपुलर डिश पेश करते हैं। लेकिन लूजिन को वह डिश बिल्कुल पसंद नहीं आती, इसलिए वह तुरंत उसे फेंक देता है। जिसके बाद शेफ एक के बाद एक डिश लाकर लूजिन के सामने पेश करते हैं, लेकिन फिर भी उसको कोई डिश पसंद नहीं आता। जिसके बाद मैनेजर शांग के पास जाता है और उससे पूछता है, क्या तुम ऐसा कुछ बना सकती हो जो लूजिन को पसंद है? जिस पर उसके सीनियर शेफ कहते हैं कि वह सलाद भी नहीं बना सकती, वह डिशेस कैसे बनाएगी? जिसके बाद शांग को वहाँ की हर चीज़ की गंध आने लगती है और वह एक नई डिश बनाने में लग जाती है। काफ़ी सोचने के बाद आखिरकार वह एक डिश बनाती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिसके लिए वह ये बना रही है वो कोई और नहीं बल्कि वही शख्स है जिसकी कार पर उसने इतनी खरोचे मारी है। अब जैसे लूजी ने वह डिश खाई तो वह दंग रह गया, उसके होश उड़ गए क्योंकि उसे यह डिश बहुत पसंद आई और क्योंकि वह खुद भी एक बहुत अच्छा शेफ था, इसलिए उसे शांग द्वारा डाले गए भोजन में हर स्वाद का एहसास होता है। वह उस डिश को बड़े मज़े से खाता है और ख़त्म करता है। उसे खाना इतना अच्छा लगा कि वह अपनी उंगलियां चाटता रह गया। अब होटल के सभी कर्मचारी, यहाँ तक कि मैनेजर और सीनियर शेफ भी शांग के डिश की तारीफ करते हैं और उसकी हिम्मत की तारीफ करते हुए खूब तालियां बजाते हैं। अब लूजी ने अपने मैनेजर से कहा कि मेरी सभी मीटिंग्स रद्द कर दो, मैं खाने के लिए किसी से मिलना नहीं चाहता, मैं यहीं रहूँगा और यहीं खाना खाऊँगा। अब शांग को दिखाया जाता है जो काफ़ी उदास दिख रही थी क्योंकि आज मैनेजर से उसका रिश्ता खत्म हो गया था, जिसके कारण वह बहुत शराब पीती है। वो होटल की छत पर भी जाती है और खूब शराब पीती है। वह इतनी नशे में थी कि वही बालकनी में गिर गई। उसके गिरने की आवाज़ सुनकर लूजी वहाँ आता है और उसे पूछता है कि तुम इस वक्त मेरी बालकनी में क्या कर रही हो? एक मिनट रुको, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। लेकिन अब क्योंकि शांग बहुत नशे में थी, इसलिए उसने लूजिन के पैर पकड़ लिए और मैनेजर समझकर कहती है कि तुमने मुझसे शादी करने से इनकार क्यों कर दिया? क्या मैं तुम्हें इतनी बदसूरत लगती हूँ? क्या मैं बिल्कुल भी सुंदर नहीं हूँ? वो इतना कहती है और नशे की हालत में वहीं सो जाती है। लूजिन उसे सबक सिखाने के लिए वो उसे एक सूटकेस में डाल देता है और उसे अपने साथ ले जाकर लिफ्ट में छोड़ देता है। अब जब होटल के कर्मचारी देखते हैं कि शांग सूटकेस में बंद है तो वह बहुत डर कर चिल्लाने लगती है और सोचने लगती है कि लूजी ने शांग के साथ गलत हरकत की है, इसलिए वह पुलिस को बुलाती है। तभी पुलिस आती है और लूजिन को पकड़ लेती है और अब वह जेल में बंद है। जिसके बाद लूजिन का पीए और शांग का मैनेजर वहाँ आते हैं और लूजिन को जमानत दिलवाते हैं और उनके साथ शांग भी थी। शांग का दोस्त लूजी से कहता है कि शांग ने तुम्हारे साथ जो भी किया उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। फिर जब वह दोनों यहाँ से जाने लगते हैं तो शांग लूजी से कहती है कि तुम वहाँ से चले जाओ क्योंकि तुम गंदी जगह पर खड़े हो।
क्योंकि जहाँ तुम खड़े हो वहाँ कुत्ते का गंदा पू पड़ा है। तभी लुजिन का पीए कार लेकर आता है। फिर लुजिन अपने जूते वहीं फेंक देता है और कार में बैठ जाता है और तुरंत यहाँ से निकल जाता है, जिसे देखकर दोनों लड़कियाँ हंसने लगती हैं। अब अगले दिन शाम होटल में एक पेड़ से बच्चे की छतरी उतारती है, जिसे एक शरारती बच्चे ने मधुमक्खियों के छत्ते में रख दिया था। ऐसा करने से मधुमक्खियाँ अपनी छतरियों से उड़कर उन सभी पर हमला कर देती हैं, जिसे देखकर सभी बच्चे और शांग वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन सभी मधुमक्खियाँ लुजिन को काट लेती हैं, क्योंकि ठीक इसी समय वो भी यहाँ से गुजर रहा था। मधुमक्खियों ने उसे काटकर उसका पूरा चेहरा खराब कर दिया। तभी शांग वहाँ आती है और एक बार फिर उसे माफ़ी मांगती है, जिस पर लुजिन अपने पीए से तुरंत उसे अपनी घड़ी बांधने को कहता है और कहता है कि जब ये मेरे आसपास होती है तो कोई ना कोई परेशानी आ ही जाती है या फिर मेरे लिए खतरा बन जाती है, और अब अगर अगली बार ये मेरे पास आएगी तो अलार्म बज जाएगा जिससे मैं सावधान हो जाऊंगा और यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन अभी लुजिन को ये नहीं पता था कि जिसके खाने का वो दीवाना है वो कोई और नहीं बल्कि शांग है। वो उसके लिए अपना पसंदीदा खाना बनाती है, यहाँ तक कि शांग को भी नहीं पता था कि उसके डिशेज का सबसे बड़ा प्रशंसक और कोई नहीं बल्कि लुजिन है। लुजिन उसी होटल में रुका हुआ था, इसलिए वह थोड़ी थोड़ी देर में कोई ना कोई डिश बनाने के लिए कहता रहता था, जिसे शांग उसके लिए बनाकर भेजती थी। वह एक के बाद एक नई डिश बनाकर बहुत अच्छे से लुजिन के पास भेजती थी, जिसे लू बड़े मजे से खाता था। अब होटल का मैनेजर शांग के पास आता है और उसे कहता है कि अब मुझे मोटी और स्वस्थ लड़कियाँ पसंद नहीं है, दरअसल मुझे आपकी तरह स्मार्ट लड़कियाँ पसंद है, क्योंकि अब मैं भी जिम जाने लगा हूँ। तो तुम ऐसा करो, आज रात मेरे साथ घर आओ और उसके बाद हम शादी करेंगे। यह सुनकर शांग को बहुत गुस्सा आया, इसलिए उसने उसे खूब गालियाँ दी और गालियाँ दी और उसे वहाँ से भगा देती है, यहाँ तक कि वह वहाँ से चली जाती है। फिर रात को जब वह अपने फ्रेंड के साथ घर पर थी तो उसने उससे कहा कि आजकल मैं होटल में बहुत व्यस्त हूँ, मुझे बहुत सारा काम करना है, क्योंकि मैं अपने होटल के नए मालिक के लिए तरह तरह के डिशेज बनाती हूँ ताकि वह खुश हो जाए और मुझे अपने होटल का सीनियर शेफ बना दे। अगले दिन जब कुछ रिपोर्टर लुजिन का इंटरव्यू लेने आते हैं तो शांग को पता चलता है कि जिसे उसने अब तक परेशान किया है वह एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है और ये कोई और नहीं बल्कि वही है जो उनका होटल खरीदने जा रहा है, यानी होटल का नया मालिक। और उसे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि लुजिन उसके खाने का दीवाना है, इसलिए आज के खाने में वो लू के सामने दिल खोल कर मिर्च मसाला डाल देती है ताकि आज के बाद उसे उसका खाना पसंद ना आए और वह उसे दूर हो जाए। लेकिन उसकी योजना काम नहीं करती, क्योंकि खाना खाते वक्त तीखी मिर्च की वजह से लुजिन की आंखों में पानी आ रहा था, लेकिन खाने का स्वाद उसे बहुत पसंद आता है, इसलिए वह रुकने का नाम नहीं ले रहा था, बस वह लगातार खाया जा रहा था। अंत में वह अपनी तरफ से लुजिन के लिए केक बनाती है और उसे भेजती है, जिसमें उसने वो हर चीज डाली थी जो लुजिन को काफ़ी पसंद आई। तो जाहिर है कि उसे ये केक इतना पसंद आया कि इसे खाने के बाद वो इस कदर दीवाना हो गया कि वो उस शेफ से मिलने के लिए बेताब हो गया। लेकिन शेंग जब उसके सामने जाने से इनकार कर देती है तो लू उसे मिलने किचन में आता है, लेकिन अभी वह उसके सामने नहीं आती बल्कि वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने मुझे देख लिया तो नौकरी से निकाल देगा। थोड़ी देर बाद जब लू वॉशरूम में थी तो वहाँ एक चम्मच गिर जाता है, जिसे वॉशरूम के नीचे से दोबारा उठा लिया जाता है। यह देखकर लू को लगता है कि यहाँ जरूर कोई चोर है, इसलिए वो वॉशरूम का दरवाजा बंद कर देता है और वहीं छुप जाता है। अब जब वह उस वॉशरूम से बाहर आती है तो वह वहाँ से भागने लगती है। तभी लू उसे पकड़ लेता है और गुस्से से कहता है कि तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गई, लेकिन मुझे पता क्यों नहीं चला तुम्हारी घड़ी कहाँ है, इस पर अलार्म क्यों नहीं बजा। इस पर वह कहती है कि दरअसल उसकी बैटरी लो है। अब जब कोई आदमी यहाँ आकर दरवाज़ा खोलता है तो वह वहाँ से भाग जाती है। लेकिन जब लू वॉशरूम में अपने शेफ की शर्ट देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि ये वही शेफ है जो अब तक मेरे लिए खाना बना रही थी, जिसके खाने का मैं दीवाना हूँ। इसलिए अगले दिन जब वह काम पर आती है तो लू उससे खुद मिलने जाता है और पूछता है कि तुमने अब तक मेरे साथ जो भी किया, क्या वह सब संयोग था या तुमने जानबूझकर ऐसा किया। जिस पर वह मुंह बनाकर कहती है कि नहीं, ये सब कोइंसिडेंस हो सकता है, मैंने कुछ नहीं किया। जिसके बाद लू उसे केक बनाने को कहकर वहाँ से चला जाता है और शांग भी उसके लिए केक बनाती है। और जब वह केक का आनंद ले रहा था तभी उसके पिता का फोन आता है, जो उसे कहते हैं कि तुम अब तक शंघाई में क्या कर रहे हो, वहाँ जल्दी से रेट फाइनल करो और किसी दूसरे होटल के लिए निकल जाओ, वहाँ मत बैठो। अपने पिता की आवाज़ सुनकर लू बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि वह शेफ शांग द्वारा बनाए गए खाने का आनंद ले रहा था। अगले दिन जब उसने फोन करके शांग को खाना बनाने के लिए कहा तो उसे पता चला कि शांग आज आई ही नहीं, वो छुट्टी पर है। इसलिए वह खाने के लिए पूरा समय निकालता है और शांग के घर पहुँच जाता है। जब वह घंटी बजाता है तो शांग बाहर आती है, जो उसे घर के अंदर ले जाती है। अंदर आने के बाद वह यह देखकर बहुत हैरान हो जाता है कि शांग ने अपने घर को बहुत खराब बना दिया है, क्योंकि घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ है। वह शांग के कुत्ते को भी देखता है, फिर वह कपड़े उतार कर सोफे पर बैठ जाता है। वह टेबल से सारी किताबें हटा देता है ताकि वह बड़े आराम से खाना खा सके।
लू शाम को एक झींगा मछली पकाने के लिए ले आया था, जिसके बाद शाम पूरे मन से डिश बनाकर लू को देती है। और जब वो उसके साथ खाना खाने बैठती है, लू कहता है, सॉरी, असल में मैं अकेले खाना खाता हूँ, मुझे किसी के साथ बैठकर खाने की आदत नहीं है। तो तुम ऐसा करो कि कहीं और जाकर खाओ। ये सुनने के बाद शाम को अजीब लगता है। तब वो अपना खाना लेकर किचन में आ जाती है और पूछती है कि क्या आप अपने फैमिली और दोस्तों के साथ खाना नहीं खाते। ये सुनने के बाद लू बड़ा ही अजीब जवाब देता है। वह कहता है कि जैसे तुम अकेले सोती हो, अकेले नहाती हो, वैसे मैं भी अकेले खाना पसंद करता हूँ। थोड़ी देर खाने के बाद जब शांग बाहर आई तो उसने देखा कि लू उसी सोफे पर सो गया है। फिर अगले दिन जब लू की आँख खुलती है तो उसे भी एहसास होता है कि कल रात मेरी आँख लग गई थी और मैं यहीं सो गया था। वह शांग को भी ढूंढता है और जब वह उसके कमरे में जाता है तो वह देखता है कि वह अभी भी सो रहा है। अब लू हर दिन खाने पीने का सामान लेकर शांग के घर जाता और खाना खाने के बाद वहीं सोफे पर सो जाता। ऐसे कई दिन बीत जाते हैं। शांग हर दिन लू के लिए एक नई डिश बनाती थी। इधर लू का पीए और शांग के दोस्त भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन जाते हैं। फिर एक दिन जब लू शांग के घर पर था तो वहाँ बहुत बारिश होने लगती है। शांग के घर की छत इतनी कमजोर थी कि वहाँ से पानी टपकने लगता है, इसलिए ये दोनों छतरी लेकर वहीं बैठ जाते हैं। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि लू न तो शांग के घर पर है और न ही वह होटल में था, इसलिए शांग अपने दोस्त के साथ लू के घर जाती है। उन दोनों को देखकर लू का पीए उन्हें अंदर जाने देता है, लेकिन वह शांग को लू से नहीं मिलने के लिए कह रहा था, इसलिए वह जबरन भागकर खुद लू के पास आ जाती है। तो वह वहाँ एक लड़की को देखती है जो लू को खाना परोस रही थी। उसे देखकर वह लू से पूछती है कि यह कौन है जो मेरे रहते हुए तुम्हें खाना परोस रही है। जिस पर लू उसे बताता है कि वो मेरे घर की शेफ है। वह शेफ शांग को यह भी बताती है कि मैं पिछले 7 सालों से उसके लिए खाना बना रही हूँ। अब लू भी शांग से कहता है कि वह भी छुट्टी पर थी, इसलिए मैं तुम्हारे पास खाना खाने आया करता था। यह सुनकर शांग को बहुत बुरा लगता है और उसे गुस्सा भी बहुत आ रहा था, तो वह तुरंत वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब शांग होटल में काम कर रही थी तभी लू की शेफ वहाँ आती है और उसे पूछती है कि तुम कब से यहाँ पर काम कर रही हो। जिस पर शांग उसे कहती है कि मैं यहाँ पर 5 सालों से हूँ। तब वो शेफ कहती है कि चूंकि लू को भी तुम्हारे द्वारा बनाया गया खाना पसंद है तो तुम्हें मेरे साथ काम करना चाहिए और लू के लिए खाना बनाना चाहिए। फिर वह एक लिस्ट बनाती है और शांग को देती है जिसमें लू के खाने का मेन्यू लिखा था, और फिर इसके बाद वह यहाँ से चली जाती है। लेकिन उसके बातों से शांग को इतना गुस्सा आया कि वह उस लिस्ट को फाड़ देती है और रोने लगती है, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि लू के लिए कोई और भी खाना बनाए। अब अगले दिन जब शांग होटल के किचन में थी तभी एक शेफ वहाँ आ जाता है और सभी शेफ से कहता है कि अब आप लोग खाना बनाना बंद कर दीजिए, क्योंकि लू की कंपनी ने ऐसा ऑर्डर दिया है, क्योंकि उन्होंने यह होटल खरीदा है और वो हमसे बेहतर और बेहतर शेफ चाहते हैं, इसलिए हम सबको इस होटल से बाहर निकाल दिया गया है। अब जब लू वहाँ आता है तो शांग वहाँ से अंदर चली जाती है और गुस्से में आकर अपना सारा सामान इकट्ठा करना शुरू कर देती है। फिर जब लू उसके पास जाता है तो शांग उसे पूछती है कि क्या आपने सभी को होटल से बाहर निकाल दिया। जिस पर लू कहता है कि हाँ, क्योंकि मैं इस होटल को एक बड़ा और अच्छे स्तर का इंटरनेशनल होटल बनाना चाहता हूँ, जो इन शेफ की जगह पर इंटरनेशनल और स्किल्ड शेफ रखने से होगा, लेकिन मैं तुम्हें अभी भी अपना शेफ बनाना चाहता हूँ ताकि तुम मेरे साथ रहो और मेरे लिए खाना बनाओ। लेकिन वो कहती है कि मेरी भी एक शर्त है, आप दो रसोइयों का खाना एक साथ नहीं खा सकते, इसलिए आपको हम में से किसी एक को चुनना होगा, और अगर आपको ये मंजूर नहीं है तो क्या हम सभी शेफ इस बड़े लेवल के होटल में काम नहीं कर सकते, और क्यों आपने सबको एक साथ बाहर कर दिया, क्या आप में कोई इमोशंस है या नहीं, आप सभी को बाहर कैसे निकाल सकते हैं। इतना कहकर वह रोने लगती है। लू का कहना है कि तुम्हारे और मेरे बीच यही अंतर है, मैं तुम्हारी तरह नहीं सोचता, मेरा काम इस होटल को बढ़िया बनाना है, इसलिए मुझे सबको निकालना पड़ रहा है और यही मेरा काम है। यह सुनकर शांग भी कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे जैसे स्वार्थी व्यक्ति के लिए काम नहीं कर सकती, जिसके अंदर न तो इंसानियत है और न ही भावना है, तुम जानवर हो। वह यह कहती है और वहाँ से चली जाती है। और अब क्योंकि वो बेरोजगार थी इसलिए वो बहुत दुखी थी। इधर लू भी शंख से दूर नहीं रह सकता था, वह बार बार शंख के बारे में सोच रहा था, और थोड़ा प्रैक्टिकल होकर वो शंघाई छोड़ देता है और यूके चला जाता है। और जब शांग को पता चलता है तो वह अपनी दोस्त के सामने खूब रोती है और वह कहती है कि मुझे बहुत खेद है, मैंने लू के साथ दुर्व्यवहार किया, मुझे वो बहुत पसंद आया था और मुझे उसके लिए खाना बनाना भी बहुत पसंद था, काश मैं उसे बता पाती कि शायद मैं उसे प्यार करती हूँ, मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ और यही कारण है कि शायद मैं उसके बारे में बार बार सोच रही हूँ। जब लू लंदन पहुँचता है तो उसकी शेफ उसके लिए खाना लेकर आती है, पर लू बहुत ही उदास था। वो उसे अपने साथ बैठकर खाने को बोलता है, पर वह मना कर देती है कि वो अपने बॉस के साथ कैसे खा सकती है। जिस पर लू को शेंग की याद आती है कि शेंग उसके साथ बैठकर खाना खाया करती थी। अगले दिन जब लू अपने पिता से मिलता है तो वह उनसे एक साथ बैठकर लंच करने के लिए बोलता है,
क्योंकि उन्हें बहुत दिन हो गए थे साथ में लंच करे हुए। और जब वह दोनों खा रहे थे तब लू पूछता है, पापा क्या आपने कभी किसी से प्यार किया है? यह सुनकर वह कहता है कि हाँ, मुझे सबसे ज़्यादा प्यार तुम्हारी माँ से था और अब मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब लू अपने पियो को फोन करता है और कहता है कि न्यूयॉर्क जाने से पहले हम शंघाई जाएंगे। बेचारी शेंग भी अपने कुत्ते के साथ रोड पर वॉक कर रही थी और अब जैसे ही वह लू की दी हुई घड़ी बेचने जा रही थी तभी वह घड़ी बजने लगती है, जिसे सुनकर वह काफ़ी हैरान हो जाती है क्योंकि यह संकेत था कि लू पास में है। और फिर वह तुरंत लू की कार को देखती है। जैसे वह लू को उसमें बैठी देखती है तो वह बहुत दुखी हो जाती है, इसलिए वह तुरंत अपने कुत्ते को लेकर निकल जाती है। फिर वह लू से बचने के लिए सामने वेजिटेबल मार्केट में छिप जाती है। तभी लू भी उसका पीछा करते हुए वहाँ तक आ जाता है। वहाँ उसे शांग का कुत्ता दिखता है, जिससे वह कहता है कि अगर तुम मुझे लू के पास ले चलो तो मैं तुम्हें टेस्टी खाना खिलाऊंगा। जिसके बाद कुत्ता लू को अपने पीछे शांग तक ले जाता है, लेकिन शांग ने खुद को शीशे के कमरे में बंद कर लिया था। लू उससे कहता है कि दरवाजा खोलो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। जिस पर शांग कहती है कि नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती क्योंकि मैं तुमसे नफरत करती हूँ और अब तुम अपने उसी शेफ के पास वापस जाओ क्योंकि आज से मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बनाऊंगी। यह सुनकर लू कहता है कि तुम मेरे लिए सिर्फ शेफ नहीं हो बल्कि बहुत खास हो, दरअसल मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, तो जल्दी करो और दरवाजा खोलो। यह सुनकर शांग शर्मा जाती है और हंसने लगती है। वह कहती है, नहीं पहले तुम मुझे बताओ कि क्या मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ, अगर तुम बताओगी तो ही मैं दरवाजा खोलूंगी। इस पर लू कहता है कि हाँ, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। यह सुनकर शांग इतनी खुश हो गई कि उसने दरवाजा तुरंत खोल दिया। अब लू उसे वहां से ले जाता है, वो उसे घर में ले आया था, जिसके बाद वो दोनों बालकनी में जाकर बैठ जाते हैं क्योंकि ये लू की सबसे पसंदीदा जगह थी। दोनों यहाँ से डूबते हुए सूरज को देख रहे थे, दोनों यहाँ काफी खुश थे और अब यहाँ आकर अपने प्यार का इजहार करते हैं, साथ ही एक दूसरे के बारे में अपनी भावनाएं भी बताते हैं। उन्होंने फैसला किया क्योंकि हम प्यार करते हैं इसलिए हम जल्दी ही शादी कर लेंगे और खुशी खुशी साथ रहेंगे। जिसके बाद ये अद्भुत कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।